एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो आज है सैटरडे 22nd of April और जितने भी लोग आज ईद सेलिब्रेट कर रहे हैं उन सभी को ईद मुबारक। तो हमने कल ही दुबई में सेलिब्रेट कर लिया था ईद। और अगर आपको पता हो तो दुबई में 4 दिन की ईद हॉलीडेज चल रहे हैं, तो हम लोग सोच रहे थे कि कहीं शॉर्ट ट्रिप पर जाके आएंगे। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद हमने ओमान को सेलेक्ट किया है। और ओमान में कहाँ जा रहे हैं? हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, आप सबको ईद मुबारक। तो आज हम लोग जा रहे हैं ओमान मुसंदम। बहुत सारे लोगों का रिकमेंडेशन था, इट्स शॉर्ट जर्नी। दुबई से ओमान लगभग 2.5 hours की जर्नी है ड्राइव पे, तो स्टे ट्यून्ड। उससे पहले तो हम लोग पहले पेट्रोल पंप पे जाएंगे, पेट्रोल फिल कराएंगे, देन एयर चेक कराएंगे, देन उसके बाद हम लोग निकलेंगे। तो मैं अभी आपको सारा व्यू दिखाती हूँ। सारा हाईवे कवर करने के बाद अभी हम लोग जैसे ही नज़दीक आ रहे थे तो यहाँ पे छोटा सा सिटी जैसा दिख रहा था। सिटी नहीं बोल सकते, ये ज़्यादातर गांव ही है। यहाँ पे सारे इंडस्ट्रियल एरिया जैसा है। यहाँ पे सीमेंट फैक्ट्रीज दिखाई दे रहे थे, देन डीजल प्लांटेशंस थे, देन छोटे मोटे बारबर के शॉप्स, देन रेस्टोरेंट्स, छोटे घर हैं। यहाँ पे रोड पे देखिए बकरी जा रही है, तो ऐसा कुछ नज़ारा था। आई थिंक अभी बॉर्डर आ रहा है, इट्स जस्ट शोइंग 5 kilometers। 5 kilometers अभी? 5 kilometers, हाँ। ओके, तो गाइस अभी यहाँ पे एक है कि बॉर्डर पे रिकॉर्डिंग अलाउ नहीं है, तो हम लोग देखते हैं प्रोसीजर्स क्या है क्या नहीं। सो गाइस अभी यहाँ पे हम लोग बॉर्डर पे पहुंच गए। आप जैसे कि देख सकते हैं कितनी लाइन है, बहुत सारा भीड़ है, क्योंकि अभी छुट्टियां चल रही हैं, तो आई थिंक बहुत सारे लोग जो है ओमान आ रहे हैं। तो अभी हम लोग लाइन में खड़े हैं। इट माइट टेक अनदर 15-20 मिनट्स टू क्रॉस इट, तो देखते हैं। आई विल कीप यू पोस्टेड। बॉर्डर अभी नजदीक आ गया और यहाँ पे मैं आपको क्यों दिखाती हूँ, देखें। ओमान एंटर होने के बाद ये हमारा सबसे पहला स्टॉप है। बूखा कैसल करके एक अट्रैक्शन स्पॉट था, तो सोचा ये भी देख लेंगे। अंदर एंटर होने के बाद इतना ठंडा और सुकून महसूस हो रहा था। बाहर तो बहुत ही गर्मी हो रही थी पहाड़ और पानी के बीच, बट अंदर तो अलग ही वाइब्स थे इसके। ये कैसल 17th century में बनाया हुआ था बाय वन ऑफ द रूलर्स। छोटे छोटे मिट्टी के रूम्स जैसे थे, देन पानी का कुआं जैसा कुछ दिख रहा था और हर तरफ टावर्स थे। तो ओवरऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था। तो चलिए नेक्स्ट डेस्टिनेशन पे चलते हैं।
गाइस फाइनली हम लोग ओमान पहुंच गए और वीजा प्रोसेस के लिए बहुत टाइम लग गया, बहुत सारी भीड़ थी। ईद की छुट्टियों के लिए बहुत पब्लिक आए हुए थे, तो लगभग 2 घंटा तो इमिग्रेशन ऑफिस में ही लग गया, बहुत लंबी क्यू थी। बट फाइनली फाइनली वी मेड इट और हम लोग ओमान मुसंदम आ गए। नाउ इट्स जस्ट लाइक 10-15 मिनट्स ड्राइव। जो एक एरिया है, आई थिंक कसाब या डिब्बा बोल के कोई एरिया है, तो हम लोग वहां जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए। सो गाइज, मैं अभी आपको वीजा प्रोसीजर के बारे में बताता हूँ। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। जैसे हम लोग बॉर्डर पे पहुंचे, वहां पे पासपोर्ट चेक्स और एमिरेट्स आईडी आपका चेक करेंगे। जितने भी आप फैमिली लोग के साथ जा रहे हैं, सभी लोगों को अंदर जाके इंडिविजुअल वाइज आपको पासपोर्ट और एमिरेट्स आईडी दिखाना पड़ेगा। वहां पे एक टोकन इश्यू करेंगे। टोकन लेने के बाद दूसरे काउंटर पे जाना पड़ेगा। वहां पे फिर से पासपोर्ट और एमिरेट्स आईडी चेक करेंगे, आपका ड्राइविंग लाइसेंस और मुल्किया चेक करेंगे अगर आपकी पर्सनल कार है। इन केस अगर आप रेंट कार ले रहे हैं तो आपको एनओसी लेना पड़ेगा आपकी रेंट कार कंपनी से। तो सारा कुछ डॉक्यूमेंट्स चेक होने के बाद यूएई का एग्जिट स्टैम्प हो जाएगा। आई थिंक 35 दिरहम्स का एक स्टैम्प पड़ता है, 35 दिरहम्स ईच। जैसे स्टैम्प होता है वहां पे गेट पास इश्यू करेंगे बॉर्डर पे देने के लिए। गेट पास लेके आप फिर से ड्राइव करना शुरू करिए। लगभग 2 मिनट की दूरी पे ओमान बॉर्डर मिल जाएगा। वहां पार्किंग करके जब हम लोग वीजा के लिए अंदर जा रहे थे, बहुत ज्यादा भीड़ थी। जैसे हम लोग एंटर किए, हमें एक एप्लीकेशन फॉर्म दिया गया, जो वो फिल करके हम भी लाइन पे खड़े रह गए। जैसे मैं पहले बता रहा था कि लगभग 2 से 2.5 घंटा हमें लग गया वीजा बस स्टैंप लगाने के लिए। बहुत ज्यादा भीड़ थी, ईद थी, छुट्टियां थे, तो आई थिंक सब लोग ओमान आ रहे थे। करेक्ट करेक्ट। तो जब मेरी बारी आई, 2 घंटा वेट करने के बाद मेरी बारी आई, तो हमने पासपोर्ट दिया और सेम प्रोसीजर अगेन, पासपोर्ट वेरिफिकेशन, एमिरेट्स आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, मुल्किया। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका फुल इंश्योरेंस नहीं है तो आपको सेपरेटली ओमान इंश्योरेंस खरीदना पड़ेगा। लोग बता रहे थे वहां पे कि 1-1.5 घंटा और लग जाएगा ओमान इंश्योरेंस के लिए। लकीली मेरा फुल कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस था जो यूएई प्लस ओमान कवर करता है, तो मुझे इंश्योरेंस लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो दैट वॉज अ गुड पॉइंट। तो मेरा भी स्टैंपिंग वहां पे हो गया एंड वो लोग भी एक गेट पास इश्यू करते हैं। गेट पास लेके हमें फिर से सिक्योरिटी के पास जाना पड़ेगा। वहां पे ऑफिसर्स जो है वो गाड़ी सबको चेक करेंगे। चेक करने के बाद गेट पास उनको दे दें और बस हो गया, एंड देन वेलकम टू ओमान। तो ये था वीजा प्रोसीजर सब कुछ। अगर आपको कभी भी ओमान आना है तो ये बस सिंपल प्रोसेस है। तो अभी टाइम हो रहा था अराउंड 4:30 और हम लोग जगह ढूंढ रहे थे यह बीच पे कि कहाँ टेंट लगाएंगे। तो एक जगह खाली मिली तो हम लोग यहाँ पे उतर के कार पार्क कर दिए थे। तो थोड़ी देर बाद अभी हम लोग भी यहाँ पे टेंट लगा के यहीं पे रेस्ट करेंगे और देखते हैं कि सारा नाइट यहीं पे स्पेंड करेंगे। बहुत ही अच्छा ड्राइव था और नजारे तो बहुत ही अच्छे थे। बहुत सारे no क्लिप्स लिए हैं मैंने, अपलोड करती हूँ। उससे हाँ। पहले तो यहाँ का नजारा दिखाओ। यस, ये देखिए गाइस, बीच पे हम लोग आए हैं। इस साइड पे सब बीच है, पानी है और उस साइड पे सारे, और ये सारा माउंटेन्स एरिया है। एक तरफ है पहाड़ और एक तरफ है, बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है। नाउ अभी टाइम है, सनसेट हो रहा है, तो हम लोग कैंपिंग का पूरा सेट लेके आए हैं, टेंट वगैरह सब। बारबेक्यू करेंगे, कैंपिंग करेंगे, बहुत ही मजा आने वाला है। यहाँ पे ये एक्चुअली बासा बीच करके है, तो यहाँ पे भी बहुत लोग हैं, सब लोग कैंपिंग लगाए हुए हैं। वहाँ पे बारबेक्यू हो रहा है अभी और यहाँ पे पानी में भी बहुत लोग खेल रहे हैं। तो हम भी थोड़ी देर में अपना टेंट लगा के, जैसे ही सनसेट होगा तो हम लोग भी बारबेक्यू करेंगे। yes, तो स्टे ट्यून्ड विद अस। तो टेंट लगाने के बाद हम लोग यहाँ पे सेटल हो गए थे। देन हस्बैंड यहाँ पे बारबेक्यू का सेटअप कर रहे थे। वेदर भी बहुत अच्छा था, उतना गर्मी भी नहीं हो रही थी, उतनी ठंड भी नहीं हो रही थी, एक डिसेंट था। और यहाँ पे मिन्हा भी सो गई है। हम लोग घर से ही चिकन मैरिनेट करके लेके आए थे, तो हस्बैंड यहाँ पे वही कुक कर रहे हैं।
गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो हमने हमारी नाइट यहाँ पे स्पेंड कर लिया है और अभी सुबह के 5:30 हो रहे हैं, सनराइज़ का टाइम हुआ है। तो मेरी नींद खुल गई थी तो मैं यहाँ पे बीच पे आ गई थोड़ा वॉक करने के लिए। और यहाँ का व्यू देखिए, अभी सनराइज होने वाला है उधर से। बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, वन डे के लिए बहुत ही अच्छा था। तो सनराइज़ होने के बाद हम लोग यहाँ से निकल के और थोड़ा सिटी साइड एक्सप्लोर करके निकल जाएंगे। और यहाँ पे टेंट्स देखिए कितने सारे लगे हैं। कैंपिंग का एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था, इजी और अफोर्डेबल भी है, क्योंकि ये अभी पीक टाइम था ईद का, जब होटल्स के रेट्स बहुत ही एक्सपेंसिव हो जाते हैं और हर बार होटल स्टे तो होते ही रहते हैं। इस बार बीच साइड कैंप लगा के ये एक्सपीरियंस भी हमने ले लिया। और कोई कॉस्ट नहीं है यहाँ पे बीच पे स्टे करने के लिए, एवरीथिंग इज़ फ्री। बस घर से कैंप लेके आना है और मस्त लोकेशन देके फिट कर लेना है। और सबसे मेन चीज़, ये बीच पे सारे फैसिलिटीज़ थे, लाइट की कोई कमी नहीं थी, 1-2-3 फूड स्टॉल्स भी थे, और सबसे मेन यहाँ पे वॉशरूम्स भी बनाए हुए थे, विच वॉज़ वेरी हेल्पफुल फॉर अ नाइट स्टे। सो बहुत अच्छा था। हस्बैंड भी यहाँ उठ गए हैं, सो गए थे, मैं एक्चुअली जाके उठाई थी, उठो सनराइज का टाइम हुआ है, वन टाइम एक्सपीरियंस है, ये सब करते हैं करके, तो नींद से उठ के आके अभी यहाँ पे बैठे हैं। बासा बीच से सब कुछ पैकअप करके निकल गए थे और अभी टाइम हुआ है सुबह के 8:30 और हम लोग यहाँ पे आ गए थे ब्रेकफास्ट करने के लिए। ये एक पाकिस्तानी रेस्टोरेंट दिख गया था हमें थोड़ा सिटी साइड अंदर की तरफ, और यहाँ पे हमने लिया था कीमा और रोटी, अच्छा टेस्ट था, नॉट बैड। सो गाइस, ब्रेकफास्ट हो चुका है हमारा और हम लोग फिर से निकले हैं। तो मैं जैसे कि सुबह में बता रही थी कि सिटी साइड जाएंगे, तो ब्रेकफास्ट करने के बाद हम लोग निकले थे अंदर सिटी एक्सप्लोर करने के लिए। तो उतना ख़ास कुछ था नहीं, बट यहाँ का मुसंदम का मेन अट्रैक्शन है दो क्रूज़, और दो क्रूज़ में जाने के लिए एटलीस्ट 4-5 आवर्स लग जाएंगे, क्योंकि दो क्रूज़ में जब वो स्टार्ट करेंगे तो अंदर तक लेके जाते हैं समंदर में, और वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ होते हैं, जैसे कि बनाना राइड होता है और क्या डॉल्फिन फिशिंग होता है, स्नॉर्केलिंग होता है। हाँ, तो हमारे पास मिन्हा है, छोटी है बहुत, तो हम लोग 4-5 आवर्स स्टे नहीं कर पाएंगे वहाँ पे बोट में, तो इसलिए हम लोग अभी वापस निकले हैं। देखते हैं ओमान का बॉर्डर क्रॉस करके हिस्से कुछ देखेंगे, अगर कुछ नहीं मिला तो वापस घर के लिए निकल जाएंगे। ये देखिए पहाड़ियों पे घर है और यहाँ पे आगे कोई गाड़ी पार्क करके आई थिंक फोटो शूट कर रहे हैं, बाइकर्स हैं पूरे। यहाँ के घर देखिए गाइस कितने छोटे छोटे हैं और एकदम, इन लोगों को आई थिंक बहुत मजा आता होगा पहाड़ियों में घर, आई थिंक गर्मी भी इतनी रहेगी और ठंड भी इतनी रहेगी। और ये ऐसे रोड्स में ना पहली बार मैं गाड़ी चला रहा हूँ, मतलब इट्स रियली अमेजिंग। ये हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है माउंटेन्स पे, अपनी कार में ड्राइव करने का, मतलब ऊपर जाओ नीचे उतरो, बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा, बहुत ही केयरफुल से गाड़ी चलाना पड़ेगा। ये देखिए रोड देखिए, वहां पे लिखा है कुछ वेलकम टू खसाब, मतलब बहुत अच्छा बनाया है लोगों ने। घर वालों को ग्रोसरी लेने के लिए कैसे जाते हैं, किधर जाते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी भी लोग एंटर हो रहे हैं ओमान। हाँ, ये शायद लोकल लाइट्स होंगे या टूरिस्ट होंगे, क्या? ये देखिए, ये अभी हम लोग निकले हैं वापस जाने के लिए,
देखते हैं कल जैसे ही एक्सपीरियंस रहेगा, आई डोंट नो, क्योंकि अभी संडे है, छुट्टियां सब कुछ खत्म हो रहे हैं, लोग हाँ कल से ऑफिस स्टार्ट हो रही है, लोग वापस जा रहे हैं, तो नॉट श्योर आज कितना टाइम लग जाएगा वीजा ऑफिस में. लेट्स सी, मैं आपको एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ, देखते हैं कितना टाइम जाएगा. आई थिंक करना है ओमान से यूएई करने के लिए, बोल नहीं सकते. दोपहर हो गई थी पहुंचते, लेकिन अभी तो सुबह सुबह है, बट स्टिल नॉट श्योर. करेक्ट, अभी 10:30 बज रहे हैं, बट लेट्स सी कितने लोग हैं, क्या है, वहां जाके ही पता लगेगा. तो स्टे ट्यून्ड, आई विल कीप यू गाइस पोस्टेड. बॉर्डर क्रॉस करने के बाद मैं आपको अपडेट देता हूं. यस, हेलो गाइस, सो वी हैव एंटर्ड यूएई नाउ, और यहाँ का एंट्री प्रोसेस बहुत इजी था, उतना रश नहीं था जितना कल था. वन टू मिनट्स में पूरा पेपर वर्क खत्म हो गया. तो अभी यूएई एंटर हो चुके हैं. पहले मैं सोच रही थी कि कहीं रसल खैमा जाएंगे, क्योंकि एग्जिट होते ही रसल खैमा पड़ता है, तो लेकिन अभी टाइम देखा तो 12 होने वाला है और कल से बहुत थक गए हैं, तो इसलिए हम लोग अभी घर के लिए जा रहे हैं. Correct. तो हमारा ट्रिप यहीं पे खत्म होता है. Yes. और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. अंटिल देन, टेक केयर. अल्लाह हाफिज़. अल्लाह हाफिज़.